सितारगंज नगर पालिका ने दुकानों पर कूड़ेदान रखे गए हैं, जिसके लिए दुकानदारों पर 50 रुपये का यूजर चार्ज निर्धारित किया था, लेकिन शहर में अधिकतर दुकानदार यूजर चार्ज के पैसे देने से कतरा रहे हैं। वहीं कुछ दुकानदारों का कहना है कि जब नगर पालिका ने कूड़ेदान रखवाए थे तब किसी भी शुल्क देने की बात नहीं की गई थी। वहीं दूसरी तरफ यूजर चार्ज वसूलने आई लड़कियों को दुकानदार ने यूजर चार्ज देने से मना कर दिया। वहीं दुकानदारों ने चार्ज को नपा की अवैध वसूली बताया है। सितारगंज से जफर अंसारी की रिपोर्ट। द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा यूजर चार्जर नाम से जो है कि प्रत्येक जो जनता है उससे सहभागिता सफाई में डोर टू डोर जो कूड़ा कलेक्शन होगा उसके लिए जो है तय किया है, जिसमें जो है कि नगर से हमारे 1 रुपया पर डे और दुकानों का 2 रुपये पर डे के हिसाब से ये सरकार द्वारा शासन द्वारा जो है एक यूजर चार्जर पर वसूली के लिए ठेका कराया गया है। वो सुविधाएं हैं जो तो नगर पालिका को देनी चाहिए, और ये तो मतलब इस किस बात के चार्जेस होने चाहिए, तो डेली कूड़ा भी नहीं उठता ना, तो यहाँ 15-15 दिन 20-20 दिन झाड़ू नहीं लगती है। पीछे गली है हमारी, वहाँ तो कभी लगती ही नहीं है झाड़ू, तो पैसे किस बात के हैं। और जहाँ पैसों की बात है, टैक्स की बात है, बाकी हमारा हाउस टैक्स भी जाता है।